और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लेकर आए दिन भर की हलचल किस तरीके की रही, विस्तार से देखिए। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों में बसे सफाई टीमों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य शिविरों में मरीजों को बेहतर दी जाए स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसा कहना है डीएम का। राजकीय मेडिकल कॉलेज की सभी सेवाएं जल्द से जल्द शुरू की जाएं, जिलाधिकारी का कहना है। 17 जुलाई 2024 बुधवार को जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बाढ़ से प्रभावित हुए शहर के रेती रोड, नई बस्ती, ख्वाजा फिरोज आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों में विशेष तौर पर नगर निगम की टीमों द्वारा कराई जा रही साफ सफाई, एंटी लार्वा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव को देखा। जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई, एंटी लार्वा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव सहित कई कार्य अच्छे ढंग से हों, जिससे संचारी रोग न फैले। नाले, नालियों, गली, मोहल्लों के मार्गों की सफाई बेहतर तरीके से की जाए। जिलाधिकारी ने ख्वाजा फिरोज अजीजगंज में चल रहे स्वास्थ्य शिविरों का जायजा किया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त दवाई रखें, आने वाले मरीजों का अच्छे से इलाज करें। उन्होंने मरीज के संबंध में जानकारी ली है। चिकित्सकों ने बताया कि खुजली, लूज मोशन आदि मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले मरीजों को बेहतर ढंग से इलाज किया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिले। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आपातकालीन विभाग, इमरजेंसी वार्ड, वाहर रुग्ण विभाग आदि वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन मरीजों एवं तीमारदारों से इलाज के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने चिकित्सकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आने वाले मरीजों की प्राथमिकता पर इलाज किया जाए, किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि इमरजेंसी वार्ड में मरीज को भर्ती कर इलाज किया जाए। डीएम ने बाढ़ के पानी से खराब हुए उपकरणों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली है। मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई तेज गति से कराई जाए। जिलाधिकारी ने वार्डों का भ्रमण कर सेवाएं में गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे हैं। If you want to see these kind of facts in future,
Please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.